हेलो दोस्तों, आज मैं सिलाई का क्लास लेके आई हूँ सिर्फ बिगनर्स के लिए जो नया अभी सीखना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरुआत करें। तो इस शुरुआत के लिए आज मैं लेके आई हूँ, पहले आपको सिलाई के सारे सामान से परिचय कराती हूँ। सिलाई में क्या क्या लगता है, सिलाई में कौन से चीज़ व्यवहार होता है, कौन सी चीज़ का होना ज़रूरी है। कुछ सामान शुरुआत में लगता है, कुछ सामान शुरुआत के बाद में लगता है, लेकिन लगता हर चीज़ है। अब हम आपको बताते हैं। पहले तो आपको लगेगा पहले कॉपी और पेन, किसी कस्टमर का आप नाप लेना चाहते नाप लेने जाएंगे तो आपको ये पेन और कॉपी लगेगी क्योंकि बिना नाप के कुछ नहीं होता है, इसीलिए कॉपी पेन ज़रूर लगेगा। उसके बाद में हमको लगेगा एक पेपर, ये आर्ट पेपर है, आप चाहे तो ब्राउन पेपर भी ले सकते हैं या तो न्यूज़पेपर से भी काम चला सकते हैं, तो ये पेपर लगेगा। उसके बाद लगेगा आपको ये पेंसिल, पेंसिल और इरेजर आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमेशा आप पेन से मार्क करेंगे, भूल हो सकता है, भूल होने से आप फिर उसे मिटा नहीं सकते, इसीलिए पहले आप इस पेंसिल से ड्राइंग कीजिएगा, उसके बाद ही कलर पे उसके बाद ही पेन या कलर पेंसिल या तो जैसा भी रंग का पेंसिल हो आप व्यवहार कर सकते हैं। उसके बाद में ये दो कलर का पेंसिल लगेगा, किसी भी दो कलर का पेंसिल रख लीजिएगा क्योंकि ये दो कलर आप पेपर में जब ड्राइंग कर रहे हैं उसको ठीक से चेक करने के लिए आप इस पेंसिल से अच्छी तरह से दाग करके आप पेपर कटिंग कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद में हमें लगेगा स्केल, तो हम इस तरह का एक स्केल लेंगे, ये स्केल से आप ब्लाउज़ छोटे छोटे फ्रॉक ब्लाउज़ फ्रॉक मतलब जो भी छोटी छोटी चीज़ है इसके साथ कटिंग कर सकते हैं, इसके साथ ड्राइंग कर सकते हैं। और ये स्केल भी लगेगा, इससे आप जिस तरह से कमीज कुर्ती का कटिंग करेंगे तो ये स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद में फिर ये एक बड़ी वाली स्केल की भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आप जब पेटीकोट कटिंग कर रहे हैं तो आपको दाग करने के लिए ये स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले आप ये दो तीन तरह का स्केल खरीद लेंगे तो ही चलेगा, उसके बाद में धीरे धीरे बाकी सब खरीदना होगा। उसके बाद ये स्केल है, ये है डिजाइनर हिप कर्व, मतलब जिसका हिप हेवी होता है ज़्यादा होता है इससे उस हिप पे दाग लगाया जाता है, इससे पैंट भी कटिंग होती है, प्लाजो पैंट भी कटिंग होती है और कमीज भी कटिंग होती है, इस तरह से इससे ड्राइंग किया जा सकता है क्योंकि कभी कभी किसी का चेस्ट हो गया 36 इंच और हिप हो गया 48 इंच तो हमें इस कर्व का ज़रूरत पड़ेगा, कमर हो गई 30 इंच तो इस कर्व से हम हिप का मार्क कर सकते हैं। ये है लेग, मतलब प्लाजो पैंट का जो नीचे पैर का थाई से लेके पैर के नीचे जो शेप आता है इससे किया जाता है, ये लेग कर्व है, प्लाजो पैंट की कटिंग अच्छी तरह से कर सकते हैं। उसके बाद है ये एल स्केल, इसकी ज़रूरत रहती है कपड़े कभी भी हमसे हो सके तो दाग लगाते वक्त सीधी नहीं आती तो इसके सहायता से सीधी दाग लग जाएगी और ये विशेष करके चूड़ीदार पैजामी में बहुत काम आती है ये एल स्केल। ये तीनों स्केल आप बाद में भी खरीदेंगे तो होगा, आपको ऑनलाइन पे मिल जाएगा, अमेजोन या फ्लिपकार्ट से मिल जाएगा। और ये तीन स्केल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये तीन स्केल आपके पास होना ही चाहिए। अब ये हो गया। उसके बाद में आपको कैंची लगेगी, एक कपड़े काटने का कैंची लगेगा और एक पेपर कटिंग के लिए कैंची लगेगा। आप अगर कपड़े काटने वाली कैंची से पेपर कटिंग करते हैं तो आपका धार खराब हो जाता है, इसीलिए हम हमेशा पेपर कटिंग के लिए छोटी कैंची को इस्तेमाल करेंगे। तो हो गया ये दोनों चीज। इसके बाद में हमें चॉक लगेगा, चॉक लेंगे,
ये है ओपनर, इससे हम सिलाई खोल सकते हैं। अगर हमारा सिलाई कहीं मिस्टेक हो गया तो हम इससे खोल सकते हैं। इस तरह से बहुत से लोग हैं जो सुई से खोलते हैं या तो आलपिन से खोलते हैं, तो उससे कपड़ा फटने का डर रहता है। इससे कपड़ा फटता नहीं है, सिर्फ धागे को ही ये काटता है और कुछ भी नहीं करता है। इससे कपड़े कटने का डर नहीं रहता है। और आपको लगेगा सुई और धागा, क्योंकि जब आपका कपड़ा तैयार हो जाएगा तो सुई से तुरपाई करना पड़ता है, धागा तो सिलाई के समय लगता ही है। उसके बाद में ये देखिए, ये है छेद करने वाला। आप ब्लाउज बनाते हैं, ब्लाउज का जब काज करते हैं तो काज हम लोग इससे छेद करके बनाते हैं। आप धागे से भी बना सकते हैं और छेद करके बनाने से ज़्यादा मजबूत होता है धागा। धागे से ब्लाउज का घर बनाने से कटने का डर रहता है, इसीलिए इससे छेद करके किस तरह से बनाया जाता है आई का घर, हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे। उसके बाद हमको कपड़ा भी लगेगा, हम जो भी कटिंग करेंगे बिना कपड़े का तो हमारा सिलाई नहीं होगा, तो हमें कपड़ा का तो ज़रूरत ज़्यादा ही पड़ेगा। उसके बाद हमें आयरन की भी ज़रूरत पड़ेगी, हमें ये इस्त्री की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कपड़ा हमेशा सीधी नहीं रहती है, कपड़े में हमेशा स्क्रीच आ जाता है। अगर उस तरह से कपड़ा कटिंग करेंगे तो फिनिशिंग के साथ नहीं होगा, इसीलिए कपड़े में भाज आ जाता है। वो भाज को अगर हम ठीक तरह से आयरन करके नहीं ठीक करेंगे तो हमारा कटिंग सही से नहीं होगा, इसीलिए हमें आयरन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा ही है। कोई भी कपड़े को आगे कटिंग करने के पहले आयरन लगा लेंगे, वो कपड़ा बहुत अच्छा से कटिंग होगा और सिलाई भी होगा, तैयार भी बहुत फिटिंग्स फिनिशिंग के साथ फिटिंग्स होगा, तो हमें आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब हम आते हैं फीते की तरफ, तो इंची टेप का हमें सब ज़्यादा ज़रूरत है। इंची टेप के बिना तो काम नहीं होगा, तो इंची टेप का ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। अब आपको समझना है इंची टेप का नाप। अब इंची टेप का नाप किस तरह से समझना है आपको बताते हैं। अब ये देखिए, अब हमारा इंची टेप है, ये इंची टेप है, हमें इंची से लेकर के इसमें मीटर के हिसाब तक है, तो पहले हम मीटर को समझेंगे। है तो हमें तो कपड़ा लगता है, हमको खरीदना पड़ता है कपड़ा, हमको मीटर समझना। हम सलवार कमीज या फ्रॉक बनाई है, ब्लाउज बनाई, कोई कस्टमर आके बोला कि हमें एक फ्रॉक बनाना है, कितने मीटर कपड़ा लगेगा, तो हमको नाप करके हमको बताना पड़ेगा कि कितने मीटर कपड़ा लगेगा। अगर हम एक फ्रॉक का नाप लेते हैं, जो भी फ्रॉक है, समझ लीजिए हमारा 36 इंच फ्रॉक है, तो हम उस हिसाब से हम 36 का डबल लेंगे, उसमें सिलाई का कपड़ा रख करके तब हम कस्टमर को बताएंगे कि हमें कितना मीटर कपड़ा लगेगा। तो इस तरह से मीटर का जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा यहाँ है एक मीटर में कितना इंची होता है, एक मीटर में 39 इंची होता है, 39 इंच होता है, ठीक है। तो एक मीटर में हमारा हुआ 39 इंच। अब बहुत आदमी गज, बहुत लोग गज के हिसाब से भी जानते हैं, बहुत जगह के लोग जिस तरह से लोग गज के हिसाब से ही कपड़ा खरीदते हैं, तो हमको गज के हिसाब से कपड़ा खरीदना है। गज के हिसाब से हुआ हमारा 36 इंच में एक गज, यानी कि एक गज का नाप हुआ 36 इंच, यानी कि एक मीटर से 3 इंच कम। तो हम उसी हिसाब से कस्टमर को बोलेंगे, गज के हिसाब से अगर हमको बोलना पड़े, धरिए पकड़िए, सपोज पकड़िए 36 इंच का एक गज हुआ, तो हमारा जो लंबाई है 36 इंच, तो हम उसमें और 3 इंच प्लस करेंगे, तो हुआ एक गज 3 इंच। उसके बाद में उसका डबल करेंगे तो हुआ 2 गज 6 इंच। 6 इंच का मतलब हुआ हमारा 6 इंच का मतलब हुआ हमारा 15 सेंटीमीटर। तो हम उस हिसाब से बताएंगे। अब हमें सेंटीमीटर से लेना है, हमको तो फ्रॉक या सूट में तो मीटर के हिसाब से ही लगता है, लेकिन ब्लाउज में हमको सेंटीमीटर के हिसाब से लेना है। तो हम सेंटीमीटर किस तरह से निकालेंगे, हमारा ये सीधी तरफ है, इंची के हिसाब से है, एक इंच दो इंच, और पीछे की तरफ आ जाइए सेंटीमीटर के हिसाब से, तो हमारा सेंटीमीटर
यहाँ आता है, हमारे यहाँ सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर हुआ, तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर में हुआ। अब हमारा यहाँ 39.5 इंच पर 1 मीटर आ रहा, 39 या 39.5, हमेशा लोग 39 इंच ही पकड़ते हैं, तो हमारा 100 सेंटीमीटर 39 इंच पर आया, यानी कि 1 मीटर। अब हमें ब्लाउज लेना है, कुछ ब्लाउज होते हैं 80 सेंटीमीटर में हो जाते हैं, कुछ ब्लाउज का लगता है 90 सेंटीमीटर, कुछ ब्लाउज 1 मीटर में भी होता है, कुछ छोटे ब्लाउज होते हैं जो 70 सेंटीमीटर में भी हो जाता है। तो हमको कस्टमर को उसी से बॉडी का मेजरमेंट ले लेना है, ले करके हमको कस्टमर को बताना है किनका कितना नाप है। और इसमें एक और बात है, अगर लंबी बाजू हो तो उसका नाप अलग होता है, छोटी बाजू हो तो अलग होता है। अगर कोई कस्टमर आया, धरिए 36 इंच चेस्ट है, यानी 36 इंच चेस्ट है और उनका लंबा बाजू हो गया, यानी कि 10-11 इंच का बाजू होगा, तो 80 सेंटीमीटर में नहीं होगा, तो हमें वहाँ लेना पड़ेगा 90 सेंटीमीटर, तो लंबी बाजू आ जाएगी। इसी हिसाब से हमको लेना। अब हम इंची को समझेंगे। अब यहाँ हमारा 1 इंच है, यहाँ 1 इंच में है, 1 इंच में कितने सूत होते हैं, 1 इंच में कितने सूत होते हैं, तो 1 इंच में हमारा 8 सूत होता है। आप फीता हाथ में फीते को लेकर के आप गिन करके देख लीजिए, 1 इंच में 8 सूत होता है। उसके बाद में आधा इंच में कितना सूत होता है, आधा इंच में 4 सूत होता है। सवा इंच में कितना सूत होता है, सवा इंच में 2 सूत होता है। उसके बाद में 1.25 इंच में कितना सूत होता है, 1.25 इंच में 6 सूत होता है। और यहाँ नाप है, ये 1 इंच है, यहाँ 1/2 है, यानी कि 1/2 इंच, 1/4 माने 1/4 इसको बोलते हैं, 3/4 यानी कि 1.25 इंच, इसको 3/4 बोलते हैं, और इसे 1/3 भी, इसको भी हम 1.25 इंच ही बोलते हैं। इस दो तरह के नाप ऐसे लिखा जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो जैसा समझे वैसा ही लिख सकता है, जो जैसा समझे उस तरह से समझ सकता है। तो हमारा ये क्लियर हो गया। तो सिलेबस में क्या क्या, अब हम आपको सिलेबस में क्या क्या सिखाएंगे उस सिलेबस आपको बताएंगे। हमारा वीडियो देखते रहिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस लेके आएंगे कि हम बिगनर्स के लिए क्या क्या सिलेबस क्या सिखाएंगे हम अपने सिलेबस में। हम उस तरह से सिलेबस तैयार कर चुके हैं, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा और नेक्स्ट वीडियो भी आने से देखिएगा जरूर। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और आपको सिलेबस में क्या क्या सीखना है आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, हम वो चीज़ ज़रूर सिखाएंगे। धन्यवाद।